हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। हम लोग कल्टीवेशन ऑफ जरबेरा को डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर लेक्चर सिक्स के फर्स्ट पार्ट में। उसी के कंटिन्यूएशन में लेक्चर सिक्स के सेकंड पार्ट में हम लोग जरबेरा कल्टीवेशन में आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों को डिस्कस करना था इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस इन जरबेरा। इससे पहले जो हम लोगों ने जरबेरा का जनरल इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और कल्टीवेशन प्रैक्टिस अंडर प्रोटेक्टेड कंडीशन जो डिस्कस किया था, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप उस वहाँ पर क्लिक करिएगा तो आपको इसका फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग सेकेंड पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं इंटरकल्चरल प्रैक्टिस, यानी जरबेरा प्लांटेशन के बाद उसकी केयर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस या कौन सी इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस है जो वो इम्पॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडिंग एंड रेकिंग ऑफ सॉइल। जैसा हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जरबेरा जो है बहुत ही डीप रूटेड प्लांट है, इसकी जड़ बहुत ही गहराई तक जाती है, वाटर लॉगिंग कंडीशन को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाता है। इसकी जड़ के आसपास एरेशन बना रहना चाहिए, रूट के पास एरेशन होना चाहिए, वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं होनी चाहिए। रूट प्रॉपर ग्रो करेगी तो प्लांट ग्रो करेगा, और हेल्दी प्लांट होगा तो फ्लावर भी जो है हेल्दी होगा। तो एरेशन इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हमने लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि कितनी ऊंची, लगभग 45 सेंटीमीटर ऊंची रेज्ड बेड जो है इसके लिए जो है बनाई जाती है जरबेरा के लिए, ताकि इसको किसी भी तरह की सॉइल कॉम्पैक्शन या फिर जो है ड्रेनेज की जो है प्रॉब्लम ना होने पाए। तो उसी के क्रम में देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी कल्चरल प्रैक्टिसेस है वीडिंग और रेकिंग ऑफ सॉइल। वीडिंग, वीड का जब हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जरबेरा को कल्टीवेट करते हैं तो वीड वैसे भी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी सॉइल ऑलरेडी बहुत स्टरलाइज होती है। लेकिन फिर भी इनिशियल स्टेजेस में, क्योंकि प्लांट के बीच की जो स्पेसेस होती हैं वो वैकेंट होती हैं और वहाँ पर कभी कभार कुछ वीड जो है उगाते हैं, तो हमें उसको जैसे ही वो वीड उगे हमें उसे तुरंत ही उसे रिमूव कर देना है। साथ ही साथ जो है अगर प्लांटेशन के बाद हम हर बार सिंचाई करते हैं थ्रू मिस्टिंग, फॉगिंग या स्प्रिंकलर के थ्रू, तो हम देखते हैं कि सॉइल धीरे धीरे कॉम्पैक्ट हो जाती है। तो सॉइल कॉम्पैक्ट, सॉइल बिल्कुल कॉम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज प्लांट ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि अंदर रूट नहीं ग्रो हो पाएगी, रूट के पास एरेशन नहीं होगा कॉम्पैक्ट होने की वजह से, तो रूट नहीं ग्रो होगी, रूट नहीं ग्रो करेगी तो प्लांट नहीं ग्रो करेगा। तो हमें लगातार हर 15 दिन पे जो है सॉइल की जो ऊपर की हार्ड क्रस्ट है, जो बार बार सिंचाई करने से वो जो डेवलप हो जाती है, उसको किसी रेक की मदद से उसको जो है हमें ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। तो रेक, आपको एक रेक, हैंड रेक होना चाहिए जिसकी मदद से आप पौधे के आसपास हर 15-15 दिन पर जो है गुड़ाई कर सकें। उसके बाद दूसरी इंटरकल्चर प्रैक्टिसेस है डिसबडिंग। जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है, पौधा फ्लावरिंग स्टेज में चला जाता है, तो हमें डिसबडिंग जो है करना पड़ता है। डिसबडिंग हमारा मकसद इसमें इसलिए होता है कि जो अगर कोई इन्फीरियर क्वालिटी की फ्लावर बड आ गई है, इसमें ये होता है कि जैसे सपोज दैट प्लांट में, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, हाँ आपने देखा था, प्लांट कैसा होता है, एक लीफ की एक्सिस से फ्लावर स्टॉक यानी फ्लावरिंग स्टॉक जो है प्रोड्यूस होता है जिस पर बड्स आती हैं, और कई सारे फ्लावरिंग स्टॉक निकलते हैं जिस पर कैपिटुलम, एक इन्फ्लोरसेंस आता है या एक फ्लावर आता है ना। तो कभी कभी इन्फीरियर क्वालिटी की फ्लावर बड्स आती है, तो उसको इनिशियल स्टेज में ही हमें रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि इन्फीरियर क्वालिटी के अगर फ्लावर बड है तो वो आगे भी इन्फीरियर क्वालिटी का फ्लावर होगा। तो वो फ्लावर हम बड स्टेज में ही रिमूव कर देते हैं, ताकि जो प्लांट का न्यूट्रिएंट है वो दूसरी बड में ट्रांसफ़र हो, और दूसरी बड हेल्दी जो है वो हेल्दी बड हो और उसमें फ्लावर भी हेल्दी हो, है ना। तो इसीलिए हम डिसबडिंग करते हैं। तो इसमें ये देखा गया है कि प्लांटेशन के 45 दिन बाद, जब जरबेरा आप प्लांट करते हैं तो उसके 45 दिन बाद फ्लावर का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो इनिशियल जो शुरुआत में जो फ्लावर बड्स आती हैं, शुरू के दिनों में जो बड्स आती हैं, वो इन्फीरियर क्वालिटी की होती हैं, तो उनको जो है रिमूव कर देना चाहिए जो है, ताकि आगे के समय में जो बाद में जो बड्स आएंगी वो हेल्दी होंगी और स्ट्रांग होंगी। तो नॉर्मली देखा गया है जो नॉर्मल प्रोडक्शन होता है जरबेरा प्लांट्स में फ्लावर बड्स का, वो 75 से 90 दिन बाद शुरू होता है। तो यानी जब आप 75 से 90 दिन का पौधा हो जाए और फिर जब बड्स, जो बड्स आती हैं वो ज़्यादा हेल्दी होती है, और जो 45 दिन पे जो बड्स आती हैं वो पौधा पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता, और इसीलिए बड्स भी इन्फीरियर क्वालिटी की होती है। तो शुरुआत के दिनों में जो बड्स आती हैं उनको हमें रिमूव कर देना है।
तीसरी इंटरकल्चर प्रैक्टिस है रिमूवल ऑफ ओल्ड लीव्स। जो है जरबेरा का प्लांट्स हर्बेशियस होता है, हमने देखा, और नीचे बेस से ही जो है सॉइल, और सॉइल के बेस से ही आप देखते हैं रॉसेट ऑफ लीव्स यानी ग्रुप ऑफ लीव्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं एक पॉइंट से। तो जो पुरानी ओल्ड पत्तियां हो जाती हैं, जो सूखती रहती हैं, नई पत्तियां आती हैं और पुरानी सूखती रहती हैं, तो उनको समय समय पर पौधे के आसपास से वो रिमूव करते जाना है, क्योंकि जो ओल्ड जो ड्राई लीव्स होती हैं वो अगर वहीं रहेंगी तो वो सड़ेंगी, क्योंकि पान जो है रेगुलर इरिगेशन हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो है वो पौधे के आसपास जो है वो बहुत ही ज़्यादा रॉटिंग क्रिएट हो जाएगी, और फिर हो सकता है कि किसी भी तरह का पैथोजन के अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो वो लीव्स रेगुलर रिमूव करना है ताकि पौधे के रूट के आसपास और पौधे के बीच में जो है एरेशन, जो है एयर सर्कुलेशन बना रहे। तो पुरानी पत्तियों को जमा नहीं होने देना है, जैसे जैसे पत्तियाँ पुरानी होती जाएँ उनको हटा दीजिए, बाहर जला दीजिए या कहीं डंप कर दीजिए, या हो उसे रिसाइकिल करिए कंपोस्ट पिट में, तक कुछ भी कर सकते हैं आप। और नई इस तरह से क्या होगा, जब ओल्ड लीव्स आप हटाते जाएंगे तो नई पत्तियां जो आएंगी वो हेल्दी होंगी और प्रॉपर एरेशन पूरे जो है क्रॉप को आपको मिलेगा। नेक्स्ट इंटरकल्चरल प्रैक्टिस, देखिए ये जो इंटरकल्चरल प्रैक्टिस थी, रेकिंग है, डिसबडिंग और रिमूवल ऑफ ओल्ड लीव, ये स्पेशल कल्चरल प्रैक्टिस है। कुछ कॉमन इंटरकल्चरल प्रैक्टिस है जैसे वीडिंग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और नेक्स्ट है इरीगेशन। और इरिगेशन कितना होना चाहिए, इरिगेशन जो है वाटर की क्वालिटी जो होनी चाहिए वो अच्छी क्वालिटी का वाटर होना चाहिए, क्योंकि वाटर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, सपोज दैट वाटर बहुत सेलाइन है तो वो आपकी सॉइल के पीएच को डिस्टर्ब कर देगा, है ना। तो वाटर का जो पीएच है वो 6.5 to 7.7 के आसपास होना चाहिए, लगभग न्यूट्रल पीएच का पानी होना चाहिए, किसी भी तरह की इम्प्योरिटी वाटर में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी सॉइल में इम्प्योरिटी हो जाएगी। वाटर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो 0.5 to 1 millisecond per centimeter होनी चाहिए, मिलीसेकंड पर सेंटीमीटर, है ना। तो ये जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए वाटर की, यानी वाटर बहुत ज़्यादा आयनिक नहीं होना चाहिए। और उसके बाद है एक्सेस वाटरिंग को अगर अवॉइड करना है, अगर चेक जैसे सपोज दैट आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमें सिंचाई करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि कभी कभी होता है ऊपर की सॉइल आपको ड्राई दिखती है पर नीचे की लेयर में, सॉइल की जो नीचे की लेयर में मॉइस्चर रहता है, यानी जड़ों के आसपास मॉइस्चर रहता है, तो इस एक्सेस वाटर ना वाटरिंग इरिगेशन ना होने पाए, इसलिए सॉइल कॉलम को आप विजुअली चेक करिए। और यह आप चेक कर सकते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं जो आपकी बेड है वो 45 सेंटीमीटर रेज्ड है, तो 45 सेंटीमीटर तक की आपको बेड आपको आसानी से दिख रही है, तो आपको पता रहता है कि किस मिट्टी में कितनी गहराई तक, यानी जो रेज्ड बेड है उसमें 45 सेंटीमीटर तक पूरे में कहाँ तक पानी है, कहाँ तक मॉइस्चर नहीं है, तो उसको विजुअल चेक करके मॉइस्चर कंटेंट उस अकॉर्डिंग आप जो है इरिगेशन करेंगे। पहला जो सिंचाई करते हैं वो प्लांटेशन के पहले तुरंत बात करेंगे, यानी जब पौधा लगाते हैं हम तभी करते हैं, और जो मेथड होता है इरिगेशन का शुरुआत के दिनों में वो ओवरहेड इरिगेशन होता है, यानी जो शेड हाउस या नेट हाउस में जो फॉगर या मिस्टर लगे होते हैं उसकी मदद से आपको करना होता है शुरू के एक महीने तक, ताकि जब तक कि पौधा इस्टेब्लिश ना हो जाए और रूट का डेवलपमेंट अच्छे से ना हो जाए, उसके बाद हम ओवरहेड इरिगेशन नहीं करेंगे, फिर हम ड्रिपर जो है वो जो है ड्रिपर के थ्रू जो है हम इरिगेशन करते हैं, यानी ड्रिप इरिगेशन करते हैं, जिससे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वाटर जो है वो इरिगेशन के लिए प्रोवाइड होता है। और ड्रिप इरिगेशन से ये भी फायदा होता है कि उसी समय हम फर्टिलाइज़र भी अप्लाई कर देते हैं, तो वाटर और फर्टिलाइज़र पौधे को साथ साथ मिलता है। ड्रिप इरिगेशन से फ़ायदा ये होता है कि सॉइल आपकी कॉम्पैक्ट नहीं होने पाती है, है ना, और रूट जो है वो प्रॉपर ग्रो होती है, तो इसलिए ड्रिप इरिगेशन ज़्यादा है बेहतर है बजाय स्प्रिंकलर इरिगेशन के। तो स्प्रिंकलर या ओवरहेड इरिगेशन हम शुरुआत के सिर्फ एक महीने करेंगे जब तक पौधा इस्टेब्लिश ना हो जाए, और ड्रिप इरिगेशन बाकी के दिनों में। जो वाटर रिक्वायरमेंट है पौधे की पर डे वो 700 ml पर प्लांट, यानी एक प्लांट को पर डे 700 ml की वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उस अकॉर्डिंग आप ड्रिपर को ऑपरेट करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मियों में क्योंकि बहुत ड्राई होती है समर्स में, तो आप फॉगर का इस्तेमाल करेंगे ताकि शेड हाउस के अंदर या नेट हाउस के अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे, है ना। और जो है 12 नून से पहले ही हमेशा जो है इरिगेशन हमें करना है, उसके बाद नहीं करना है क्योंकि टेम्परेचर रेज कर जाता है। और जब वो वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही हो तो ओवरहेड इरिगेशन, और फ्लावरिंग के समय ड्रिप इरिगेशन, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। सॉइल सिर्फ मॉइस्ट रहनी चाहिए,
वाटर लॉक्ड नहीं होनी चाहिए, यानी मिट्टी में नमी रहे लेकिन जल भराव की स्थिति ना हो, यानी मिट्टी नमी रहे और पोरोसिटी भी उसकी मेंटेन रहे। नेक्स्ट जो कॉमन इंटरकल्चरल प्रैक्टिस है वो है फर्टिलाइजेशन, यानी कितना फर्टिलाइजेशन, कितना मैन्योर वगैरह अप्लाई करेंगे। तो जो FYM है तो वो तो फील्ड प्रिपरेशन के समय ही हम 25 से 75 टन वो तो उसी समय अप्लाई कर देंगे जब हम बेड प्रिपेयर कर रहे होते हैं, है ना, उस समय अप्लाई कर देंगे। और बाकी का जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो हम ड्रिप इरीगेशन के थ्रू लिक्विड फॉर्म में देते हैं, तो फर्टिगेशन, जिसको कि फर्टिगेशन बोलते हैं, जब फर्टिलाइज़र विद इरीगेशन हम देते हैं, यानी ड्रिप इरिगेशन के साथ लिक्विड फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं फर्टिगेशन। तो फर्टिगेशन जो है अच्छा रिजल्ट देता है जो है जरबेरा कल्टीवेशन में, है ना। तो और किस सॉइल में कितना न्यूट्रिएंट चाहिए, कौन सा है चाहिए, इसके लिए बेहतर हो कि सॉइल की एनालिसिस करा लें, है ना। तो सॉइल के, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, कौन सा एक्सेस है, कौन सा जो है डेफिशिएंट है, ताकि किसी भी तरह से न्यूट्रिएंट से रिलेटेड डिसऑर्डर प्लांट को ना होने पाए। फिर भी एक कॉमन जो NPK की डोज जो वो डिसाइड की गई है वो है पर मीटर स्क्वायर एरिया में 150 टू 137 और 190 ग्राम आपको NPK जो है वो अप्लाई करना है, यानी 150 ग्राम NPK, सॉरी 150 ग्राम नाइट्रोजन, 137 ग्राम फॉस्फोरस और 190 ग्राम पोटाश आपको जो है पर मीटर स्क्वायर में जो है अप्लाई करना है 3 महीने के इंटरवल पर। और फॉर द फर्स्ट 3 मंथ आफ्टर प्लांटिंग, जो शुरुआत प्लांटिंग के जो है पहले 3 महीने बाद जो है आप जो है 20:20:20 के रेशियो में NPK अप्लाई करेंगे, अगर ड्रिप इरिगेशन के थ्रू कर रहे हैं तो, है ना, तो इस रेशियो में तो 1.5 ग्राम पर लीटर वाटर में आप जो है इस रेट से आप मिक्स करेंगे और फिर ड्रिप इरिगेशन के थ्रू आप उसको जो है अप्लाई करेंगे। तो इससे क्या होगा कि माइन्यूट क्वांटिटी में ही आपका फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होगा और प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। वंस फ्लावरिंग कमेंस, मतलब एक बार जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर हमें NPK का जो रेट अप्लाई करना है वो 15:8:35, है ना, तो वो 1.5 ग्राम पर लीटर वाटर पर डे हमें अप्लाई करना है। बोरॉन डिफिशियंसी कॉजेस बेस ऑफ यंग लीफ टू टर्न ब्लैक कलर्ड, यानी बोरॉन की डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए, वरना जो लीफ का जो नई पत्तियां जो आती हैं उनके लोअर पार्ट में आप देखेंगे कि पत्तियां जो है वो ब्लैकिश होने लगती हैं। तो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी बहुत ख्याल रखना है कि किसी भी तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी नहीं होने पाए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट दोनों ही हम ड्रिप इरिगेशन की मदद से सप्लाई करेंगे। अब आता है टाइम हार्वेस्टिंग का। हार्वेस्टिंग कब से स्टार्ट होगी जरबेरा में, फ्लावर बड इनिशिएशन हो जाने के बाद, फ्लावरिंग हो जाने के बाद हम किस स्टेज पे हार्वेस्ट करेंगे। तो जरबेरा देखिए टोटली 24 से 30 महीने की क्रॉप है, यानी एक बार आप प्लांट करते हैं तो आप उसमें वो फसल आपकी 30 महीने तक चलती है ना। तो जो पहला फ्लावर जो प्रोड्यूस होता है वो 7 से 8 हफ्ते, प्लांटेशन के 7 से 8 हफ्ते बाद वो प्रोड्यूस होता है ना। तो जब फ्लावर का जो हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी इंडेक्स अगर आप देखें कि कब हमारा, हम समझें कि हमारा फ्लावर हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गया है, तो आप ये देखिए कि जब बड ओपन हो जाए तो जो आउटर रो है डिस्क फ्लोरेट की, ध्यान रखिएगा रे फ्लोरेट नहीं, डिस्क फ्लोरेट में जो आउटर रो है फ्लोरेट्स की, मतलब सेंटर की नहीं, डिस्क में भी, डिस्क के किनारे पर जो फ्लोरेट्स हैं वो पूरी तरह से ओपन हो जाएं, तब आप समझिए कि आपका फ्लावर हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गया। तो जरबेरा का यही मैच्योरिटी इंडेक्स है, व्हेन टू आउटर रोज ऑफ डिस्क फ्लोरेट आर फुली एक्सपेंडेड देन द फ्लावर इज रेडी फॉर द हार्वेस्टिंग। और आप ये भी ध्यान रखिएगा, देखिएगा कि फ्लावर जो है वो फ्लावरिंग स्टॉक पर एकदम सीधा हो, इस परपेंडिकुलर हो, मतलब वो झुका ना हो, तो उस फ्लावर को हम हार्वेस्ट करते हैं। तो एवरेज यील्ड जो देखी गई है वो पॉली हाउस के अंदर, वो देखा गया है कि 240 फ्लावर पर स्क्वायर मीटर से वो प्राप्त होता है, 240 फूल हमें एक स्क्वायर मीटर से मिलता है, यानी 6 से 7 पौधे से हम 240 फूलों का उत्पादन लेते हैं कुछ रेगुलर इंटरवल पर, है ना। और फ्लावर की जो हार्वेस्टिंग करनी है वो मॉर्निंग में करनी है या लेट इवनिंग में करनी है। वैसे प्रोटेक्टेड कंडीशन के अंदर तो हम वैसे भी कभी भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि हम मॉर्निंग आवर में करें, क्योंकि मॉर्निंग में जो है प्लांट में टर्जिडिटी होती है, किसी तरह की हीट नहीं होती है, तो शेल्फ लाइफ उसकी फ्लावर की या वाज लाइफ लंबी होती है। और लेट नून में भी करने से यही फ़ायदा होता है कि फ्लावर में
टर्जिडिटी मेंटेन रहती है और हीट जो है किसी तरह का एक्यूमुलेट नहीं होता है। तो ये हार्वेस्टिंग का तरीका है। उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग और मैनेजमेंट कैसे करेंगे। जैसे ही आपने फ्लावर हार्वेस्ट कर लिया है तो फ्लावर का जो स्टेम है, जो स्टॉक है, उसको एक इक्वल उसमें एंगुलर कट में, जैसे आप लोग हार्डवुड कटिंग में एक एंगुलर कट देते हैं ना, स्लैंट कट देते हैं, बिल्कुल वैसा ही स्लैंट कट हमें फ्लावर के बेस पर हमें वो कट लगाना है। उसके बाद हमें फ्लावर को जो है बॉक्सेस में हम पैकेजिंग करते हैं, सॉरी पैकेजिंग नहीं, उसके बाद एंगुलर कट करने के बाद हम उसको हम प्री कूलिंग करने के लिए वाटर में थोड़ी देर के लिए रखते हैं 4 घंटे के लिए, ताकि जो अगर थोड़ा बहुत वाटर का जो है डेफिशिएंसी भी हो गई है तो वो पौधा पूरी तरह से हाइड्रेट हो जाए, है ना। तो 4 घंटे तक के लिए हम उसको जो है वाटर में रख के और किसी कोल्ड रूम में रख देते हैं जहाँ 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर हो, तो हाइड्रेशन भी हो जाता है और प्री कूलिंग भी हो जाती है। उसके बाद हम जो है फ्लावर्स को जो उन जो अलग अलग साइजेस के जो बॉक्स हैं, डिपेंड करता है आपके फ्लावर का साइज़ क्या है अलॉन्ग विद स्टेम, उसमें हम बॉक्सेस में उनको फिर पैक करते हैं। तो जो कट फ्लावर हैं उनको हम स्टोर अगर करना चाहें ड्राई में, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड में हम उसको जो है 2 दिन के लिए जो है हम उसको ईज़ली पैकेजिंग के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और अगर 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम ओपन कंडीशन में देखें तो मतलब आउट ऑफ द पैकेट, तो हम 4 से 5 से 7 दिनों तक हम 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर फ्लावर्स को रखें तो हम 5 से 7 दिनों तक फ्लावर को स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो जो आपका ये अगर फ्लावर को आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं या वाज लाइफ उसकी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो फ्लावर की वाज लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें कमर्शियल ब्लीच जो आता है वो, या सोडियम हाइपोक्लोराइड उसका सॉल्यूशन जो है आप बनाइए, वो 1 लीटर पानी में 1% का सॉल्यूशन बनाना है। तो इससे जो कट फ्लावर है उसकी फूलदान में या वाज में उसकी जो लाइफ है वो 60 से 8 दिन तक आपका फ्लावर चलेगा, है ना। और अगर नीचे का स्टेम जब आप देखते हैं कि सॉल्यूशन में जब आप वाज में फूल को रखते हैं वाटर में, तो देखिए नीचे का स्टेम जो है वहाँ पे रॉटिंग होती है, तो समय समय पर स्टेम को जो है वो कट करते रहिए ताकि वाटर का अपवर्ड मूवमेंट ईजिली होता रहे। तो जो कट फ्लावर है उसकी जो जरबेरा का जो स्टेम है, जो कट फ्लावर की जो स्टेम है जरबेरा कट फ्लावर की, उसकी लेंथ जो है 45 से 55 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फ्लावर का जो डायमीटर 10 से 12 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड का वो अच्छा माना गया है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरबेरा फ्लावर किसी तरह से डैमेज ना हो तो फ्लावर के को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फ्लावर कप बनाया गया है, पॉलीथीन का कप होता है। उस कप में जो है फ्लावर का हेड वाला पोर्शन और स्टेम उस पूरे को उस कप में प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, और उस कप में थोड़ा सा पैकेजिंग सॉल्यूशन जिसमें न्यूट्रिएंट होता है और जो है एंटीबैक्टीरियल केमिकल होता है वो उस कप में फिल कर दिया जाता है, ताकि किसी भी तरह का फ्लावर को डिग्रेडेशन ना हो और फ्लावर में जो पेटल्स हैं, जो रे फ्लोरेट हैं या डिस्क फ्लोरेट हैं, वो बिल्कुल डैमेज ना होने पाए और फ्लावर बिल्कुल फ्रेश रहे। तो जरबेरा कप्स में फ्लावर को हम पैक करने के बाद फिर हम बॉक्सेस में उसको पैक करते हैं और फिर फाइनली हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से ये पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग और जरबेरा में जो है मैनेजमेंट हम करते हैं। तो इतना आपको ये सारी चीज़ें आपको जानना है जरबेरा कल्टीवेशन में कि किस तरह से हम अलग अलग स्टेजेस पर इसका जो है हमें केयर मैनेजमेंट करना है, चाहे वो कल्टीवेशन के दौरान हो और चाहे वो हार्वेस्टिंग के दौरान हो, है ना। तो ये ऑल अबाउट जरबेरा के बारे में था। तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप क्वेश्चन करिए, हम उसको बताएंगे और नोट्स हम PDF में आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।